أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا, قالتا لا نسقي حتى يسطرا الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آج کے حصے سورة القصص میں جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے ہمارے ہاں کافی مشہور ہے, کافی لوگوں کو آتی ہے. और भी इन नीलिमा अंसल था फ़कीर उसके बैकग्राउंड के बारे में उसके उससे मतलब किस्से के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे और उसकी हमतों के बारे में सीखेंगे जो मेरे नज़दीक आम तौर पर लोगों को नहीं आती जहाँ तक मैंने लोगों को जिनको दुआ आती भी है वो इस्तेमाल भी करते हैं उसको इसके कॉन्टेक्स का और इसके जो फ़वाद हैं उनका इल्म बहुत कम होता है तो इन मेरी मेरी उम्मीद है कि इस दुआ के इस इस सेशन के बाद आपका इस दुआ के साथ तल्लक बेहतर हो जाएगा उलमा तोज्जा अतिल अमदीन मूसा अभी वांटेड हैं उन पर अब कत्ल का इल्ज़ाम लग चुका है और उन पर अब एक स्कीम बनी हुई है मिस्र के अंदर के पुलिस वाले उनको अरेस्ट नहीं करेंगे बल्कि उनको कत्ल कर देंगे उसकी भी एक वजह थी असल में अल्लाह ताला ने फ़िरौन के दिल में मूसा अलैहि सलाम के लिए खास मोहब्बत डाल दी थी तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा व अलक़ैत आ महबत मिन्नी तो जब फ़िरौन और उनको दूसरी नस्ल यानी ग़ुलाम की नस्ल होने के बावजूद उनको एक रॉयल स्टेटस जो है वो शाही स्टेटस उनको मिला हुआ था लेकिन अब जो उनसे गलती हुई है तो जो उनके जर्नेल थे जो जो फ़िरौन के असल में जो जर्नेल थे उनको बहुत ही जलन होती थी कि ये ग़ुलाम इसको इतना ऊंचा मकाम क्यों दिया हुआ है तो वो किसी ना किसी तरह मूसा अल्लाम को रास्ते से हटाना चाहते थे अब उनके हाथ ये मौका आ गया कि उनके ख़िलाफ़ एक मर्डर चार्ज है तो उन्होंने सीक्रेटली यानी खुफिया तौर तो पर फिरौन से छुप कर एक स्कीम बनाई कि हम उसको ढूंढते हैं मूसा को अगर मिल गया तो उसको अरेस्ट करने के बजाय उसको कत्ल कर देंगे क्योंकि अगर अरेस्ट किया तो उसमें जो जज होगा कोर्ट का वो तो फ़िरौन होगा और फ़िरौन तो वैसे ही दिल से मोहब्बत करते हैं मूसा सलाम को तो वो तो फ़िरौन ने क्या करना है उसने मूसा सलाम को माफ़ कर देना है तो इससे पहले कि ये मौका ही आए हम किसी ना किसी तरह का केस बना के हम उसको कहीं पकड़ के किसी गली में कोने में जाके कत्ल कर देंगे किसी को पता नहीं चलेगा उनकी अपनी एक अंदरूनी स्कीम थी उनको ये मालूम नहीं था कि उनके एक पुलिस चीफ्स में से जनरल्स में से एक जो था वो खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुका था और वह भूषा का दोस्त भी था उस वो भी इस मीटिंग में था जब इन्होंने ये पूरा प्लान बनाया और उसको पता था मूसा भूषा कहाँ छुपे होंगे क्योंकि उनका करीबी दोस्त था तो वो उनके पास पहुँच गया और बता दिया उन्हें इन नलमला तमिरुनबी का लियख तलूक के जो जो पुलिस चीफ्स वग़ैरह हैं जनरल्स हैं इन्होंने सीक्रेटली यानी खुफिया तौर पर एक पूरी स्कीम बना ली है कि वो आपको कत्ल करेंगे फ़ख्र हो यहाँ से अब निकल जाओ यहाँ पर तुम्हारी खैर नहीं है ये नहीं ये मत सोचना कि मैं अपने आप को यू नो गिरफ़्तार करवा लूँ अथॉरिटीज़ के हाथ कर दूँ मेरा ट्रायल होगा ऐसा कुछ नहीं होगा ये लोग तुम्हें मार देंगे ये एक माफिया बन चुके हैं तो फ़्रो जहाँ से निकल जाओ इन्नी लकाम से है मैं ही हूँ सिर्फ जो तुम्हें सही नसीहत कर रहा हूँ तुम किसी पे एतबार नहीं कर सकते जो लोगों को तुम पहले जानते थे जिन पुलिस वालों को सिक्योरिटी गार्ड्स को सबको जानते थे उनमें से अब तुम किसी पे एतबार नहीं कर सकते सिर्फ मेरी बात पर एतबार करो फ़र जमिन ख़ाह इफ़न या तो तो वो वहाँ से खौफ़ में और अपना एक एक कदम देखते हुए निकले फ़र और जमिन ख़ाह इफन यबीन जी ने मिनलोम वालिमिन फिर उन्होंने दुआ की मेरे रब मुझे ालिम कौम से बचा ले देखिए यह मश्र से निकलते वक्त फ़िरौन से और इस कौम से निजात की दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से ख़ास दुआ मांगी है कि मुझे किसी ना किसी तरह यहाँ से निकाल दे इन लोगों से बचा ले और कुछ साल बाद क्या होने वाला है अल्लाह तहेंगे इधहाबिला फ़रा ए तिल कौम अबालिमिन उसी ालिम कौम के पास वापस जाओ जिस कौम के बारे में दुआ मांगी थी इसमें भी शायद इशारा है क्योंकि मेरा आज का टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी इस बात की तरफ इशारा है कि कभी हम दुआ करते हैं किसी चीज़ से बचने की लेकिन फिर अल्लाह ताला कुछ टाइम हमें देता है हमें बचा लेता है उस चीज़ से लेकिन एक टाइम हमें देता है जिसमें हमें हमें तकवीत देता है हमें हमारी मेचोरटी करता है हमारी डेवलपमेंट करता है और उसके बाद हम उस काबिल हो जाते हैं कि जिस चीज़ से हम भागते थे उसका हम सामना करने के लायक हो जाते हैं उसका सामना करने को तैयार हो जाते हैं उसके लिए हमारे अंदर इतनी क़वत आ, आ जाती है लेकिन जब वो उसके लिए तैयार भी थे तब भी उनको नहीं पता था कि वो तैयार हैं उन्होंने फिर भी अल्लाह से कहा था कि मैं नहीं कर सकता वो मुझे मार देंगे मुझे मुझे डर है वो मुझे झूठा बोलेंगे वो सारी बातें जो मैंने आपसे सुरत शुर्ा के ज़मिन में की थी लेकिन अल्लाह ताली आपसे बेहतर जानता है तो कभी कभी आपको अल्लाह ताली उसी सिचुएशन में वापस डालता है जिससे आप भागे हुए थे जिससे अल्लाह ताली ने आपको बचाया था क्योंकि अल्लाह ताली जानता है एक वक्त आएगा कि आप उस सिचुएशन का सामना कर सकते हो और उसको कन्फ्रंट कर सकते हो अल्लाह ती हमें इसको इस कन्फ्रंटेशन को करने की हिम्मत दे और अल्लाह ताली हमें हमारी सपोर्ट करे इन मुश्किल मामलों में हमारी अपनी ज़िंदगी में खैर उन्होंने दुआ की रबी नजीनी मिनलक वालमी और ये बड़ी प्यारी बात है कि यही अल्फाज आसिया ने जो उनकी सोतीली माँ हैं उनके अल्फाज भी यही हैं रबी नजीनी मिन फ़राउना वमली ही व नजीनी मिनल व वालिमिन तहरीम में वो कहती हैं कि मुझे फ़िरौन और उसके अमल से बचा लीजिए और मुझे ालिम कौम से बचा बचा लीजिए तो एक इशारे से शा, शायद ये बात भी कही जा रही है कि जो दुआ सुनने को मिली माँ से और जो सोतीली माँ से बड़े अच्छे इन्फ्लुएंस से वही दुआ उन्होंने एक और सिचुएशन में उसका फ़ायदा उन्होंने ख़ुद भी उठाया और अब मिन नजीन मिनल कौम वालमीन वलमा तो तिलक़ा अच्छा अब वो वो बाहर निकल आए उनको नहीं पता सहरा में कहाँ जाना है उन्होंने कुछ सड़कें वगैरह तो हैं नहीं खुला सहरा है अब जब वो निकले हैं मिसर से तो अल्लाह ताली से उन्होंने ये दुआ की थी वलमा तोजह तिलक़ा मदियन जब इधर उधर देख रहे हैं किस तरफ़ जाऊँ किस तरफ़ जाऊँ तो जब उनका चेहरा मदियन की तरफ गया और वो नहीं जानते मदियन कितनी दूर है वो बस एक सहरा में आप फर्ज करें अगर आप एक डिग्री भी इस तरफ हो जाएं और चलें तो आपको पूरा शहर मिस हो जाएगा कई कई सैकड़ों मील से आप मिस कर दोगे यू नो कई कई तो, और सहरा में तो मौत होती है अगर एक कदम भी गलत ले ले इंसान और सहरा में इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह चलता रहे कि सिमत में लेकिन एक बड़ा सर्कल बना लिया उसने तो उसको एहसास नहीं रहता कि वो किस सिमत में जा रहे हैं लेकिन जब उनका चेहरा एन मदियन की तरफ़ गया तो फिर उनके मुँह से दुआ निकली खाला आसा रब भी नहीं सवा सबील के मेरी उम्मीद है उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सबसे सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत कर देगा इसमें भी शायद अलता ने हमें क्या बात सिखाई है कि कभी कभी हमें नहीं पता होता हम किस तरफ़ जाएंगे लेकिन अल्लाह इल्हाम डाल देता है अभी वो नबी नहीं थे अभी अल्लाह ने उनको रसालत का, का मरतबा नहीं दिया वो टूर पर जाकर होगा कुछ सालों बाद अभी वो एक नौजवान हैं जो इधर उधर देख रहे हैं कि मैं जाऊँ कहाँ और अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक इल्हाम किया कि इस तरफ जाओ सहरा में भी जो जो कुछ घंटों बाद कुछ दिन बाद मौत बन सकती है बस निकल जाओ अब वो चलें वलम वा मदीन और फिर वो जब पान मदीन के पानी तक पहुंच गए यानी मदीन में थोड़ी सी कोई झील थी वहाँ पर वह पहुँचे वजद आल ही उम्म नसीकून तो वहाँ पर वो पाते हैं कि एक छोटा सा ग्रोह है लोगों का जो अपने जानवरों को पानी दे रहा है वह वजद अमिन हम उम्री तजुदान और उनसे कुछ हट कर वो देखते हैं कि दो औरतें हैं और जो अपने जानवरों को तजुदान वो खींच खींच के अपने जानवरों को रोक रही हैं तो बाकी अपने जानवरों को पिला रहे हैं और वो अपने जानवरों को रोके रखी हुई हैं तो उनको ये अजीब लगा कि ये क्या क्या मंज़र है तो वो इन दो लड़कियों के पास गए दो औरतों के पास गए और कहा माँ ख़तब को माँ क्या मसला है तुम्हारा क्या कहानी है उन्होंने कुछ तफसील मांगना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है तुम क्या ये अजीब हरकत कर रही हो क़ाल तला नस्की हतिया व अबूना शेखुन कबीर तो उन दोनों ने कहा कि हम नहीं पिलाएंगे पानी जब तक कि ये पूरा मट ये, ये सारे जो लोग हैं ये अपने सारे जानवरों को पिला ना चुके हैं और हमारे बाप हमारे वाले जो हैं वो बहुत बड़ी उम्र के हैं अबूना शेख कबीर ये एक अजीब सी हिदायत है इस आयत के अंदर बहुत खूबसूरत सी हिदायत है इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें एक अनयूजुअल फैमिली सिचुएशन दिखाई है जिसमें बच्चियाँ हैं बच्चियाँ जवान हो गई हैं बाप बूढ़ा हो चुका है वो अब इस काबिल नहीं रहा उसमें ये सलाहियत उसमें सेहत उसमें वो तोानाई नहीं है कि वो बच ये रोज़ी कमा सके रिस्क कमा सके तो बच्चियों को जाकर जानवरों को खाना देना है जानवरों को पानी पिलाना है फिर सारी सारे खेत का या और जो चीज़ें उनका घर का ख्याल रखना है और वो ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पर जो मर्द हैं वो औरतों की इज़्ज़त नहीं करते अगर वो औरतों की इज़्ज़त करते होते तो वो थोड़ा सा एक सेक्शन दे देते औरतों को वो जाके अपने जानवर को पिला ले लेकिन उनको पता है अगर वो नीचे जाएंगी तो मर्दों ने उनको हरास करना है उनके साथ बदतमीज़ी करनी है वो ये सब चीज़ें समझती हैं और ये समझते हुए वो अपने जानवरों को पीछे रोके हुए हैं जब तक ये बदतमीज़ लोग ये बैरत लोग ये अपना काम ना कर लें तब तक हम नीचे नहीं जाएंगे तो इसमें शायद अल्लाह तला ने हमें एक बड़ी अजीम हमत बताई है कि अल्लाह की हमत में ये भी होता है कभी कभार कि औरतों को भी काम करना पड़ता है और ये भी के कभी कभार है ऐसे इम्तहान फैमिली से लेता है कि आपकी एक ही बेटी है वालदे को कैंसर हो गया है को मुश्किल हो गई है कोई हार्ट अटैक हो गया है और उसको जॉब करनी पड़ रही है और हमारी सोसाइटी हम फलाना कहते हैं देखो सर तो इनकी बेटी तो काम करती है ये करती है हम उस पर आर करते हैं उसको उस उस पर समझते हैं इसमें कोई शर्म की बात है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर कोई हलाल रोज़ी कमा रहा है मर्द या औरत तो उसमें कोई सरासर सरासर शर्म की बात नहीं है और ये तो जब ये और ऐसी इन्वामेंट में काम करना जिसमें कि लोग तमीज़ से औरतों के साथ बर्ताव नहीं करते ये भी बहुत होता है हमारे मुल्कों में होता है हमारी सोसाइटीज़ में होता है अरब ममालिक में होता है देसी ममालिक में होता है हमारे साउथ एशिया में होता है हर जगह होता है और इस हॉस्टाइल इन्वामेंट के होने के बावजूद एक औरत एक लड़की अपनी तालीम हासिल करे और अपने काम करे और अपनी अपने अपने, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखे अपने दीन को पर, पर कायम रहे और उन सारी चीज़ों को पुश अवे करे जितना अवॉइड कर सकती है करे ये तो बड़ी अजीम चीज़ है असल में उसने उसने तो तो बड़ा कारनामा किया है अल्लाह ताला हमारी बेटियों को हमारी बहनों को बचाए तो ये तो इन इन बेचारियों के पास क्या चॉइस थी वो भूखा मारें अपने घर पर वो भूखा मरें बाप को भूखा भु, मरने रहे थे तो उन्होंने जब इन्होंने आके पूछा कि क्या मामला है तो उन्होंने कहा हम नहीं पिलाते जब तक नीचे वाले सारे जानवर सारे ये लोग ख़त्म ना कर लें फिर उसके बाद करेंगे अब अबूना शेख उन कभी फसला तो उन्होंने उनसे जानवर पकड़े मुसलमान और कोई मज़ीद बात नहीं की उन्होंने बस उनके भेड़ बकरियाँ पकड़ी सुम और जाके उनको पिला दिया यानी वो वो तो बड़े साइज़ के हैं तो उन्होंने लोगों को हटाया होगा आराम से अपने जा, उनके जानवर को पिलाया और उनको वापस किए जानवर और फिर कुछ कहा भी नहीं सुब तो फिर वो साय की तरफ वापस लौट गए यानी कोई एक दरख्त होगा पत्थर होगा बड़ा उसके साए के नीचे वो जाकर लेट के बैठ के अब उनके कपड़े यू नो सहरा में सफ़र करने के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या हाल हुआ होगा खाने पीने को कुछ है नहीं पता नहीं कहाँ अगली रोज़ अगली अगला खाना कहाँ से मिलेगा कहाँ सोने को मिलेगा क्या करेंगे कहाँ से कपड़ा रोटी आएगी ये कुछ मालूम नहीं अब वो जाकर बैठ गए हैं सय के नीचे कहते हैं फ़क़ा फिर उन्होंने कहा रबी इन्नी इन निमा अनजल था इलाया मिन ख़ैरिन फ़ीर मेरे रब मैं जो भी आप मेरी मेरी तरफ नाजिल करेंगे जो भी नाजिल करेंगे आप मेरी तरफ़ मैं उसके लिए फकीर हूँ फ़कीर असल में अरबी में इस्तेमाल फकर होता है कि अगर किसी की पीठ के पीछे इतना बड़ा बोझ हो कि उसकी जो पीठ है वो क्रश हो जाए वो टूट जाए कमर उसकी टूट जाए उसको फकर कहते हैं तो फ़्र ऐसे ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें इंसान की पूरी सपोर्ट उसके अंदर कोई तो कोई 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 कवत ना रहे उसके अंदर ना वो टूट चुका हो उसको फ़कर कहा जाता है असल में अरबी में ठीक है फ़्र के के मायने बहुत ही गरीब होने के और बिल्कुल कुछ ना होने के भी हैं लेकिन इसकी असल जो तस्वीर खींची गई है अरबी ज़बान में वो ये है तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की है और ये ये इतराफ़ किया है अभी कुछ मांगा भी नहीं है बस ये कहा है कि जो भी आप मेरी तरफ़ भेजेंगे बस मेरी तो कमर टूटी हुई है आप जो भी भेज दें मैं लेने को तैयार हूँ अजबी में कहावत है अलमाशी रदिया भी मारकब के जो पैदल चल रहा होता है ना उसको कोई भी सवारी अच्छी लगेगी साइकिल भी अच्छी लग जाएगी गधे पे बैठ जाएगा फिर भी अच्छी लग जाएगी उसको नखरे नहीं करेगा कि मैं सडी से कम में तो मैं बैठता नहीं हूँ तो उन्होंने कहा या, मेरे रब आप जो भेज दें मेरी तरफ मैं नखरे करने वाला नहीं हूँ मैं तो फ़कीर हूँ सो तो रबी इन लिमा अनजलता इलाया मिन खैर फ़कीर इससे हमें क्या पता चला कि हम मैं आपको सिनेरियो देता हूँ कि हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई ठीक है अब आप मुश्किल में हैं और अब आप दूसरी नौकरी कहीं ढूंढ रहे हैं और आपको जिस फील्ड में आपको नौकरी मिलनी थी या जिस लेवल पे आपको मिलनी थी वो आपको मिल नहीं रही उससे कम मिल रही है और आप बस ढूंढ रहे हैं कि मेरे लेवल की ही मिले मेरे लेवल की ही मिले और आपको तीन साल हो गए चार साल हो गए नहीं अब आपको आंखें खोलकर देखना चाहिए कि हो सकता है कि मैं नखरे करने के बजाय जो मौके अल्लाह मुझे दे रहा है हो सकता है वो कम मौका हो लेकिन हो सकता है कि उस मौके के अंदर मेरी ग्रोथ हो जाए और मैं दोबारा उस मकाम पर या उससे उससे एक्सीड भी कर लूँ यानी इंसान को हमेशा अपॉर्चुनिटी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और नखरा नخ, नخ, नहीं करना चाहिए कि मेरी मर्ज़ी की होगी तो मैं करूँगा रब्बी इन्नी लिबा अनसलता इलिया मिन खैर फ़कीर दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ये बहुत खूबसूरत है कि खैर के अरबी में और कुरान में भी दो मायने हैं एक महीना खैर का ये है कि मैं जो अच्छी चीज़ आप मुझे देंगे रिस्क देंगे आ, कोई कोई पनाह देंगे जो चीज़ मेरे पास आएगी जो मेरी दुनिया में मेरी लिए उसकी खैर हो उसके लिए खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खैर का लफ्ज़ अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है नेकियों के लिए भी इस्तेमाल होता है वो ये बात भी कह रहे हैं कि मैंने गलती की है मिसर में और मैंने माफ़ी भी मांगी है लेकिन फिर भी मेरे दिल के अंदर एक आग सी लगी हुई है कि मैं क्योंकि कुरान का एक कायदा है ना वो भी समझते होंगे शायद इन अलहसनात युबन सैती बुनियादी कायदा हो सकता है क़ुरान से पहले भी इंसानियत जानती हो अच्छे काम बुरे कामों को मिटा देते हैं तो उनके अंदर एक गिल्ट है उन्होंने उनसे ग़लती तो हुई है अल्लाह ने माफ़ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर एक एक आग नहीं लगी हुई कि मैं अपने आप को उस उस गलती को मिटाना चाहता हूँ अपने लिए अच्छाइयाँ करके तो अभी उन्होंने एक अच्छाई की ये कुछ लड़कियाँ थीं उनको मदद चाहिए थी जाके उन्होंने मदद कर दी अब वो कह रहे हैं मेरे रब अगर कोई और भी नेकी करने का मौका होना तो मैं उसके लिए फ़क़ीर हूँ कोई भी अच्छा काम करने को अगर मुझे मिल जाए मैं फ़ौरन करने को तैयार हूँ मैं खरे नहीं करूँगा कि किस किस्म का अच्छा काम हो या मैं नहीं सोचूंगा एक ज़माना था कि मैं इतनी इतनी मदद किया करता था ये किया करता था अब मुझे क्या बस इन दो बच्चे दो लड़कियों को मुझे बस इनके जानवरों को पानी पिलाने का मौका मिला है बस यही कुछ खैर करने को रह गया मेरे लिए यानी कोई नाक ऊंची करके ये नहीं कि आप पहले कुछ किस्म के अच्छे अमाल किया करते थे और जो दूसरे अच्छे अमाल हैं वो आपके आपके स्टेटस से ज़रा नीचे हैं नहीं आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी होती है मेरे अंदर एक ह्यूमिलिटी होती है कि अल्लाह जो भी अच्छाई करने का मौका दे दे जो भी किसी की खिदमत करने का मौका दे दे उसके लिए मैं फ़कीर हूँ और अभी इन्नी लिमा अंसलता है इलियान फ़कीर देखिए भाई अगर अगर मैं कहीं लेक्चर कर रहा हूँ मेरे सामने बहुत सारे डिग्नेटरीज़ बैठे हुए हैं यू नो लोग बैठे हैं, लो हैं मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो मुझे मौका मिला है यू नो लोगों लो से बात करने का तस्वीरें खींची जा रही हैं सारा सेलिब्रिटी सीन है राइट और फिर एक कोई टैक्सी ड्राइवर है जिसके साथ मैं टैक्सी में हूँ वो मुझसे बात करना चाह रहा है किसी घर के मामले में अपने और मैं सोचूं यार क्या है यार मैं तो अभी प्राइस प्राइजर से बात कर रहा था मैं मैं फ़लाने सैनिटर से बात कर रहा था मैं फ़लाने बिलीनर से बात कर रहा था अब मैं इसके साथ बैठ कर इसके इसका घर का मसला सुनूँ नहीं ये क्या ये किस किस्म का एटीट्यूड है और अब भी इन्नी लिमा अंजलता इलायन फ़कीर जिसकी भी मदद करने को मिले जो भी मिले वो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा मेरी तरफ़ आ रहा है तो उसको मैं कबूल करूँ और अल्लाह तक अल्लाह ताली की तरफ से एक एज़ा समझूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी की मदद करने का मौका दिया उसने ये रिस्क मेरी तरफ़ भेजा है लेकिन पहले पहला मायना जो है ना वो फिर फिर भी वैलिड है और वो भी मेरे मेरे नज़दीक वो गालिब भी है लेकिन दो मायने निकलते हैं और ये अरबी ज़बान की कवायद में से है अलमानी असवानी यानी एक बात होती है और उसके नीचे एक दूसरा मायना भी उसकी तय में होता है खैर पहली बात क्या है कि मेरे रब मुझे पता नहीं मैंने अगला खाना कहा खाना है रात का हाँ गुजारनी है जो खैर मेरी तरफ़ तो लाएगा मैं उसे लेने को तैयार हूँ फ़जाअदा हम तमशिया इस्ते फ़ा कहते हैं अफा असब अबिया इस वजह से क्योंकि उन्होंने ये आजी दिखाई और उन्होंने यह दुआ की कि मैं जो भी आप देंगे मैं देने को लेने को तैयार हूँ उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की इनके पास शर्म शर्म शर्माती हुई आई अब ये शर्माती हुई क्यों आई दो बच्चियाँ अब कुछ घंटे पहले पहुँच गई हैं घर क्योंकि वो उनको घंटे लगते हैं अपनी जानवरों को पानी पिलाने में लेकिन अब वो जब उन्होंने भूसा सलाम थे तो दो मिनट में काम कर दिया अब वो वो तीन चार घंटे पहले पहुंच गए घर घर पहले पहुंची तो बूढ़ा बाप है तो वो कहते हैं जल्दी कैसे आ गई आज तो उन्होंने कहा है थे नौजवान उन्होंने हमारी मदद की उसने कोई बदतमीजी की नहीं उसने कोई बदतमीजी नहीं की उसने आपसे कोई बात करने की कोशिश की कोई आपकी अटेंशन लेने की कोशिश की नहीं नहीं वो बस सय में जाके बैठ के लगता जिक्र कर रहे थे बुलाओ उसे यानी लड़कियों ने उन भूसा सलाम का तारफ़ कराया अपने बाप से और बाप जानता नहीं है लेकिन बाप में इतना अतम है कि देखो मैंने अपनी बेटियों को बाहर इतनी इतनी ख़राब सोसाइटी में भेजा है रोज़ी कमाने के लिए तो अगर उनकी असेसमेंट है उनकी जजमेंट है कि ये अच्छा लड़का था अच्छा आदमी था तो फिर मैं भी उनकी जजमेंट को पर एतबार करूँगा अगर आप में अपनी बेटी में अपने घर वालों पर इतना अतमाद है कि आपने उनको यूनिवर्सिटी में भेजा है आपने उनको बाहर वर्क फोर्स में आप भेजा है ज़िम्मेदारी दी है तो फिर उनकी राय पर भी आपको अहतबाद करना पड़ेगा उसमें अपनी अना को की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर उस बूढ़े बाप ने कहा ना जाओ बेटा जाओ उसको ले आओ तो एक को शायद तीमारदारी करनी हो दूसरी जाकर अब वो दो थी तो ज़रा कॉन्फिडेंट थी एक आई तो ज़रा शर्म शर्म शर्मा गई तो कहती हैं आकर कहती हैं इन्ना अभी यह दड़ू का लिया अज़िया का अजरामा सा कई तला ना कि मेरा मेरे वद हैं बेशक मैं नहीं बुला रही मेरे बाप मेरे वालद साहब बुला रहे हैं आपको इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ ली इज़ालत शक अगर आपको शक पढ़े कि मैं इंटरेस्टेड हूँ मैंने इन्वाइट किया मैंने नहीं किया मेरे अबू जो है वो बुला रहे हैं बेशक ताकि जो पानी हमने आपने पिलवाया था ना हमारे जानवरों को उसके लिए उसका आपकी कुछ उसको कोई उसकी कोई उजरत दे, दे दें आपको ली लि, लिया जिया का अजराम सकैलाना अच्छा जब उन्होंने ये बात की है तो मूसा आसाम ने यह काम जो किया था ये अल्लाह ताला की खिदमत में किया था वॉल्टियर किया था ये ख़िदमत खल्क थी ये कोई मुलाजमत तो नहीं थी इसकी कोई पेमेंट तो उन्हें नहीं चाहिए थी तो वो कह सकते थे नहीं नहीं ये तो मैंने फीस सभी किया था इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी आपकी मदद की आपके अजर की मेरा अजर तो मेरे रब के साथ है ऐसी कोई बात मेरे मेरे प्यारे नबी मूसा साहब ने नहीं की उन्होंने क्या किया चलो चलते हैं क्योंकि उनको एक बात समझ आ गई उनको समझ आया मैंने अभी अपने रब से मांगा था जो मेरा रब मुझे देगा मैं लेने को तैयार हूँ मैं फ़क़ीर हूँ और अल्लाह ने क्या भेजा है इस लड़की को भेजा है कि मेरा बाप बुला रहा है आपको कुछ पैसे देना चाहता है चलो जी मैं लेने चलता हूँ तकल्लुफ़ नहीं किया उन्होंने नहीं नहीं, नहीं रहने दें बस बुरी बात आपको मुसाले आलिस से ज़्यादा तकल्लुफ़ हो जाता है आपको आपके पास जॉब नहीं होती और आपके पास कोई आता है कि देखिए हमारे कंपनी में कुछ ओपनिंग हुई है आप अपना रजबे नहीं नहीं आप रहने दें अल्लाह मेरा ख्याल कर लेगा बस आप रहने दें तकल्लुफ़ के नाम पर अल्लाह आपके पास इतनी नेमतें भेज रहा है आप उनको जस्ट धकार रहे हो क्योंकि आपकी इज़्ज़त है नफ्स है कि आप किसी से मदद नहीं ले सकते भाई आपने मदद भीख नहीं मांगी किसी ने आपको ऑफ़र की है उसको कबूल करो हमारे कल्चर में खामा ख़ा का जो तकल्लुफ़ है ना उसने बड़ी मुश्किलें पैदा की हैं और ये तकल्लुफ़ की का मतजाद है इस, इस दुआ के अंदर अगर आपने ये दुआ मांगी है तो आपके अंदर तकल्लुफ़ नहीं हो सकता तकल्लुफ़ किस बात का लोग आते आप किसी के घर जाते हैं चाय शाये नहीं नहीं आप रहने दें आपको पता है आपको चाहिए खामा ख़ाह का ड्रामा कर रहे हो यार नहीं रहने दें बिल्कुल नहीं कभी नहीं हर नहीं कोई कोई जरूरत नहीं अगर आप किसी अरब के घर जाए ना जैसे आप बोलोगे वो वैसा ही करेगा आप कहोगे ना रहने दो रहने दो कोई बात नहीं तो वो कुछ नहीं देगा आपको फिर आप घर से बड़े बड़े बदतमीज़ हैं चाय तक नहीं पिलाई इन लोगों ने तो आपके दिमाग में होता है कि बस तकल्लुफ ही नॉर्मल बिहेवियर है आप किसी से अगर भीख नहीं मांग रहे मदद नहीं मांग रहे वो अपनी जगह है लेकिन कोई आपको मदद दे रहा है तो हो सकता है वो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है उसको मत झुटलाया करें उसका उसका फ़ायदा उठाया करें उसकी उसके तल की का शुक्र किया करें अल्लाह ने आपका आप पर आसमान से जॉब नहीं गिरा गिरानी आसमान से रिस्क नहीं गिराना मूसा आई पर एक लड़की आई है उसने कहा है मेरे अबू बुला रहे हैं और मूसा आई समझ गए ये अल्लाह ने मेरी दुआ को बुल की है